देश में पिछा छाड़ुनी नलकूप विपत्ति। खोद राजधानी दिल्ली में एक 40 फुट नलकूप गात में फसी रही बालकटी। केशवपुर मंडी इलाका अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड प्लांट निकट में एक नलकूप बालकटी खसी पड़ी। तेरे बालकटी उद्धार लगे नियोजित अच्छा दिल्ली अग्निशम बाहन एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस। सेपटे जड़े व्यक्ति से स्थान कांथ को भांगी प्रवेश करिबा बोरवेल रे खसी पड़ा बोली जहाँ कहुचे ताकू खंडन कर दिल्ली पुलिस। घटनास्थल सीसीटीवी नथिबारु वर्तमान भी सस्पेंस जारी रही। लाइफ डिटेक्टर मेसीन कौन से सिग्नाल पाउ नथिबारु बंचिबार आशा क्षीण बोली कहुचे। तेबे घटनास्थल पहुंची स्थितर समीक्षा करिसेंती मंत्री आतिशी। से ही नलकूप पार्श्वे आउ एक गर्त खोला सूचना रहुचि। गत काली राति रे घटना घटीला। एने पुलिस कंट्रोल रूम को खबर आसीबा परे उद्धार कार्य आरंभ होई। खबर मिलबा परे तुरंत अग्निशम बाहिनी एनडीआरएफ टीम घटनास्थल रे पहुंची छंते। अधिक आलोचना पे लिपिका महंत दिल्ली रिपोर्टर आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होते। लिपिका प्रथम तो आम टे जानवाक चाहबू कि केते वर्षर ये बालकटी एवं क्यों परिस्थितर यह बोरवेल भितर को खसी पड़ा से बाबद किसी सूचना रोचे कि अनेपटे उधार कार्यपाई कौन कौन सब टीप्स आपणी टीम निश्चित भाव सोनाली देखु प्रथम तो मुझे कही रखा चाहिए जो बालक कि बालिका कि जन किए व्यक्ति विशेष पड़ी बोरवेल बर्तमान पर्यत स्पष्ट हो पारना दिल्ली पुलिस कौन सी जवाब दे पार ना कि भितर किए पड़ी बयस सीमा उपर जब प्रश्न उठू से कहते कि बालक 10 वर्ष रही कि व्यक्ति विशेष जनक 18 रु 20 वर्ष भितर हो पारती से नहीं बर्तमान पर्यंत कौन स्पष्ट सूचना मिल पारना कि देखिए बर्तमान उद्धार कार्य जारी रही जो भाव जो इलाका केशवपुर मंडी अंचल जो रही कि जो यही जो स्थान टी रही विशेष भाव यह जो दिल्ली जल बोर्ड आयोग अंडर रे आसुची जगटी और साधारण देखिए जो रूम रे बोरवेल टी रही से रूम रोटे साइड रि कांथ देखिए ता भांगी जाता से पुलिस गोटे प्रकार कहती से कौन कैमेरा ना कि कौन कि भाव से पड़े से नहीं किसी स्पष्ट सूचना पुलिस दे पारना यह संगे कहना अच्छी कि जो भाव जो बोरवेल तो रही निजे जाठार खसी पड़ा पुलिस गोटे प्रकार संभावना ना कहते पक्ष देखिए पुलिस कहती कौन जबरदस्ती हेबार कि जबरदस्ती कर चिन्ह बर्तमान पर्यंत जो प्राथमिक तदंत रु किसी जना पड़ना यह सांगे जब देखिए जो रही यह पुलिस जदि कौन जड़े जबरदस्ती नहीं कि खेलार यही संभावना को पुलिस दूर करने संभावना नुहे कहती कारण यह सांगे जब देखिए जो भाई भाव जो उद्धार कार्य बर्तमान जारी रही 12 मीटर आकार 40 रु 50 फुट रो गात बर्तमान खोला जाए बोरवेल एक खोला जाए समांतरण भाव से उद्धार करने गोटे प्रकार प्रयास करतमान अपडेट जहाँ रोचे सोनालीन जो से लाइट डिटेक्टर लग जाए कि कौन सिग्नाल मिल पारना जो गत काली राति सुधा जो भाई मत जो व्यक्ति विशेष जन भितर रही भितर आवाज आसूला कि कथा कहते बर्तमान पर्यत शुणा जा बर्तमान सुधा किसी जनापड़ना से शिशु होपे कि जड़े वयस्क भी होता पारती तार कौन भी सूचना ना अंपटे जमी आप कहते कि लाइफ डिटेक्टर मेसीन भितर कम देना सिग्नाल आसी पारना अर्थात ता भितर सिचुएसन बर्तमान सुधा कौन रही से बाबद कौन भी सूचना बर्तमान मिल पारना उद्धारकारी टीम को तो कौन आशा करके आग को स्थित कौन हो पाए देखो गोटे प्रकार जब देखा से एनडीआरएफ टीम कथा कहतु दिल्ली पुलिस कथा कहतु कि अग्निशम बाहिनी कथा कहतु समस्ते गोटे प्रकार आशा बांधी उद्धार कार्य जारी रखिंट कि किसी रेस्पन्स मिलू ना सत्वे उद्धार कार्य बर्तमान जारी रही जो 12 मीटर जो 40 रु 50 फुट रात बर्तमान समांतरण भाव खोला जाए गोटे प्रकार आशा करतर को जाकि जो बालक कि जो व्यक्ति विशेष बर्तमान भितर रही
उद्धार करने प्रयास करपन्स आसुना तथापि चेष्टा जारी रही यथाशीघ्र कि उद्धार करे प्रयास जारी रही किंतु यह सांगे दिल्ली पुलिस तार मुह खोलुनाई कौन पाखे कौन तथ्य बर्तमान पर्यंत सीधा स्पष्ट करूना भितर जो व्यक्ति विशेष होते सी पुरुष किंवा महिला ताप्ट करूना बयस सीधे किसी जना पड़ना यह सांगे उद्धार कार्य ही जना पड़ कि जो अधिक डिटेल्स रही ही जना पड़ सब कुछ स्पष्ट हो पार बहुत बहुत धन्यवाद लिपिका आपन को सूचना पाई दिल्ली रु जुड़े थे रिपोर्टर लिपिका महांत संपर्क में अधिक सूचना देते किंतु ये बाबद रे दिल्लीर शिक्षा मंत्री जी अच्छा अतिशी तंकर किसी प्रतिक्रिया आसने ना पर एक अबैंडन्ड बोरवेल था लेकिन वो एक बिल्डिंग के अंदर एक कमरे के अंदर सिक्योर था एक लॉक्ड बिल्डिंग के अंदर सिक्योर था जैसा आप देख रहे हैं कि उसको पूरा हमें जेसीबी से तोड़ना भी पड़ा है आगे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए तो सिक्योरिटी तो थी वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटेंशनल एंट्री हुई है ताला तोड़ा गया है दरवाज़ा तोड़ा गया है उसके बाद अंदर गए हैं जो हुआ है उसकी तो पूरी जांच पुलिस करेगी अभी तो हम एनडीआरएफ के साथ कोऑपरेट करके पूरी तरह से रेस्क्यू किस प्रकार से किया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं दूसरी बात जो मुझे बताई गई है एनडीआरएफ द्वारा वो ये है कि शायद ये कोई बच्चा नहीं था कम से कम 18 साल से ज़्यादा की उम्र का कोई शख्स है जितना वो अनुमान लगा पा रहे हैं अभी रेस्क्यू प्रोसेस में कह रहे हैं अभी एनडीआरएफ की पूरी टीम मौजूद है तो 2 से 3 घंटे में मेरे ख्याल से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होना चाहिए।